साध्वी यौन शोषण मामले में फंसे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत 25 अगस्त को फैसला सुनाएगी। उस दिन कोर्ट ने डेरा प्रमुख को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। फैसले को लेकर पूरे हरियाणा में अलर्ट है। सिरसा और पंचकुला में धारा 144 लागू की गई है। पैरामिलिट्री की 35 कंपनियां संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। फतेहाबाद में जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सभी मुख्य बाजारों, रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण जगहों से लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इसके अलावा कई गांव में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान आला अधिकारियों ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। पूरे जिले में जो इंटरस्टेट नाकाबंदी हमने की हुई है, पॉइंट सिलेक्ट करके वहाँ पर नाके सुचारू रूप से चले हुए हैं और हमने फ्लैग मार्च शुरू किया हुआ है सब डिवीजन पे भी और हेडक्वार्टर लेवल पे भी। जगह जगह जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने फोर्स वहाँ पर डिप्यूट कर दी। सर देखिए, हमने बताया कि जो हमने ऐसे 12 नाके चिन्हित किए हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्री के साथ लगते हैं, वहाँ पर हमने नाके लगाए हैं और आने जाने वालों की वहाँ पर चेकिंग चल रही है। सिरसा में डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम का मुख्यालय है, इसलिए सिरसा को संवेदनशील मानते हुए धारा 144 लागू की गई है। 5 या 5 से ज्यादा लोग साथ मिलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में अर्धसैनिक बलों की 10 और पुलिस के जवानों की 5 टुकड़ियां तैनात हैं। जिले से लगने वाले पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। डेरा समर्थकों और स्थानीय लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। कल भी हमारी सारा दिन एसपी साहब से, सीनियर अधिकारियों से मीटिंग होती रही है और जो धारा 144 लगभग हरियाणा के 8-10 जिलों में अब लगा दी गई है, तो हमारी चेकिंग निरंतर जारी है। नाके हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सीआरपी की हमारे पास कंपनीज आ गई हैं और कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति बना के रखी जाएगी। र्यूमर्स का बाज़ार मेरे को बताया गया गर्म होता जा रहा है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा सिरसा निवासियों से, र्यूमर्स पे भरोसा ना करें, पहले चेक करें वो सही है चीज़ नहीं सही, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें। गोहाना में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए गोहाना में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसी के तहत गोहाना पुलिस ने शहर में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शहर में आने जाने वाले रास्तों से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये पूरे शहर में हमने किया है, मेन मेन बाजार में और बाबा रायों ने के मैं ये फ्लैग मार्च हो रहा है। चेकिंग वगैरह भी की जा रही है? हाँ, चेकिंग की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं। करनाल में भी पुलिस ने सीआरपीएफ की कंपनी के साथ मिलकर पूरे शहर और कुछ गांव में फ्लैग मार्च किया। करनाल में निकटवर्ती राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात की गई हैं। जिले की पूरी सुरक्षा के लिए पूरी करनाल पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर लगा दी गई है और इसके अतिरिक्त हमारे पास एक आईआरबी, एचएपी, एचपीए से भी फोर्स उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस भी सीआरपीएफ यहां पहुंच चुकी है और अभी कुछ और फोर्सेस पाइपलाइन के अंदर हैं जो हमें उम्मीद है कि एक आधे दिन में मिल जाएगी। जैसे कि आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हमारे कंट्रोल रूम के अंदर एक स्पेशल सोशल मीडिया का सेल बनाया गया है। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसले की तारीख नजदीक आने के साथ साथ डेरा समर्थकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फैसले को लेकर हरियाणा पुलिस ने जहां एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी है, वहीं डेरा समर्थक भी सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। डेरा प्रेमियों का कहना है कि अगर संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फैसला आता है तो फैसले का विरोध करेंगे और अपने गुरु के लिए कुछ भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। डेरा समर्थकों के बयान माहौल को बिगाड़ने का संकेत दे रहे हैं। फैसले वाले दिन डेरा समर्थक लाखों की तादाद में उमड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को हर हालात से निपटने के लिए पहले से मुस्तैद रहना होगा ताकि हरियाणा में शांति कायम रहे और कानून व्यवस्था ना बिगड़े। टोटल न्यूज के लिए फतेहाबाद से रमेश भट्ट, सिरसा से सतनाम सिंह, गोहाना से सुनील जिंदल के साथ करनाल से कमल मिठा की रिपोर्ट।